फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत ही अच्छे हों। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो गाइस, हमारे यहाँ आज जगन्नाथ जी की पूजा है। बदतमीजी कम करो सारी। जगन्नाथ जी की पूजा है, कल रामनवमी की मैंने व्लॉग बना दिया है, बट वो पहुँची नहीं है अभी तक, तो ये पहुँच जाएगी। बाकी की बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलते हैं, मेरे यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो पूजा मम्मी कर रही हैं, देखिएगा। ये देखिएगा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। बना दिए, पढ़ रही कहानी। मैं कथा स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। बाकी तैयारी हो चुकी है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्रह्माणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, साल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी, एक दूसरी औरत थी जिसके बेट का चिपका हुआ था। इन सब ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की, भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते हुए तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे तो भगवान सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वही रुक कर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, या तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गुण वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया, फिर ब्रह्माणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान बोले, इनमें हाथी तो पूर्व जन का प्रयास है, जिसने दूसरों से लिया है, अपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा, इसलिए इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर उसमें 5 गर्त मार देना तो वह उन पापों से
छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन का कृपण ग्रहिता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा है किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी पांच बेत मार देना तो इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देकर चलता रहा है, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है, इसके भी पांच बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोहनी है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती है, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता है, इसके भी पांच बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तरैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया है दिया नहीं, अतः इसी से मिलने नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती। इनको पांच बेत मारकर पांच चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जिसने पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलता ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहा है, पांच बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मचिया चिपकी रहती है, पांच बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा तो वह धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ से ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहाँ हैं, ये सब बेकार दिखावा है, यह सब दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, फिर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से पांच बाली मांग लूं, ऐसा निश्चय कर किसान से पांच बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि उसके खेत में आग लग गई, तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा कहा कहे गेहूँ की बाली लाकर अर्पण की तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए पांच आम मांगे, रखवारे ने दुर्वचन कहते इनकार किया, सो बड़े जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवारी करने वाला दौड़कर सुदामा जी के शरण में गया और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। इसके बाद बाली और आम ले सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगाकर रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ, जो कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई और अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाके गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया। कथा सुनी, ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा, आप ही ने तो बुलाया है, अभी अभी एक बूढ़े पापा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। यह देखकर सुदामा की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कि कुटिया की जगह पर महल खड़ा है, सभी ऐश्वर्य नौकर चाकर वाहन आदि उपस्थित हैं। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने का आभूषण से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, अतः उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश तक कोई भूखा ना रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर
हर कार्य दौड़ाए, निमंत्रण भेजे, इष्ट मित्रों को बुलाया, श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया ही था कि सुदामा ने सुना कि एक और रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने कहा, पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, जब से आप हमारे यहाँ से गए हो तब पता नहीं किसका कोप हुआ कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियाँ कोचियाँ के रूप में देख आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने यह देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन से रोटियां कोचियों रह गई हैं। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की, भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे सीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग धनवान रहोगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहु रहे हैं ऐसे सबके दिन बहु रहेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिंद्री को धन, निपुति को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ न दे सके, वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए, इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार सुख में व्यतीत हो इसकी महिमा बड़ी है। बोलो श्री जगन्नाथ जी की जय। कंडी लाओ, क्या कंडी लिया बाबू? ये उठा लो, कंडी लो, वो उठा लो। मेरे को जो बुखार जल्दी से आप चाहिए और तीसरी कंडीशन है कि ध्यान दिए जग मही अग्नि कुंडल झट पावत थी जीवन गाड़ी रोवत खड़ी मार करके पेट भरना आहन करी गरुड़ खम्भ सिंह और यात्री की भीड़ घोष बेट की छड़ी दुर्मर बनी द्वारे ठाड़े देन बिचारे धन धन सूर्य श्याम आज की घड़ी। बोल जगन्नाथ भगवान की जय, बोल सच्चे भगवान की जय, जय जगन्नाथ महाराज की। सो गाइस, हमारे यहाँ पूजा कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कथा आराम से सुनी हो, क्योंकि मेरे यहाँ बिट्टू काफ़ी चिल्ला रही थी बीच में, पानी वो सहायता नहीं कर रही थी, अभी तक वो सोई नहीं है, इस वजह से शायद आप लोगों ने पता नहीं सुनी कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं बना क्या गया था, आपको कभी मैं दिखाती हूँ क्या गुजिया बनी थी, पुआ बने थे। चलो खड़ी हो, अब बिल्कुल चले जाए। अरे कुछ नहीं, हमारे भी तो ना मारा, ये बेद मारे जाते हैं जिससे आप लोगों ने कथा में सुना ही होगा कि क्या क्या उसमें कथा ये समझ नहीं मारा गया। तो आई होप आप लोगों ने कथा अच्छे सुनी हो, मुझे नहीं पता। और देखो ये मेरे बाल साइज संडे, हाँ संडे का हमने धुले थे, संडे के बंधे हुए हैं। कल पूरा दिन हो गया, मैंने नहीं बाल बांधे हैं, आज का पूरा दिन हो गया, बाल नहीं बंधे हैं। और जो व्लॉग था रामनवमी का वो पहुंच जाएगा यार, वो एक दो दिन में बैलेंस नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं वाईफाई कितनी दिक्कतों से मिलती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखो जैसे ही मिलती वैसे पहुँचा देंगे व्लॉग आप लोगों तक, ये वाला भी व्लॉग आप तक पहुँच जाएगा दो चार दिन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोगों को अच्छा लगे व्लॉग, कैसी लगी जगन्नाथ जी की पूजा घर में, सारी चीज़ें मतलब अनाज जितना होता उसके लिए रखी जाती है कि घर में हमारे यहाँ मतलब खाने पीने की चीज़ें बनी रहें, हमेशा जगन्नाथ भगवान जी की कृपया रहे हम लोगों पर। और गाइज क्या बताने वाली थी यार, तो माइक हाँ यहाँ आज बनी है गुजिया, हुआ बने हैं और
क्या बनाया है, हलवा बना है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। गुजिया, हलवा है, गुड़धनिया है और ये चन्ना मिट बना है। चलो मैं इस पर दिखा देती हूँ आप लोगों, यार इस पर दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये बनी है, खाइएगा। इसमें हलवा रखा है, ये देखिए हलवा बना हुआ है, ये सारी चीजें बन चुकी हैं। मम्मी पूजा, हाँ बाबू, मेरे को आ रही है नींद क्योंकि आज टाइम हो गया है काफी, पूजा हो गई काफी लेट क्योंकि खाना भी बना था, इस वजह से काफी टाइम हो गया है। अब तो फिर हम इनको सुलाते हैं चल के, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कब तक पहुँचेगा मुझे नहीं पता है, बट जल्द ही पहुँच जाएगा। तो चलते हैं भैया, इनको सुला देते हैं, यार काफ़ी टाइम हो गया है, मैं मुझे भी नींद आ रही। और हाँ गाइस, कल मेरे साथ हादसा एक हुआ था, ये कि मैंने दूध लिया, दूध खौलाने के लिए रखा था और वो मैं खौला चुकी थी, उसे अंदर लेके आ रही थी कि गैस में जो नहीं रखे होते उसमें मेरा हाथ फंस गया था, तो इस चक्कर में मेरा हाथ फंस गया तो उसमें मेरा हाथ ये जल गया था, तो तुरंत ही शराब गाइस ये वाला मेरा हाथ जल गया था पूरा, इसी वजह से मैंने बाल भी नहीं बांधे, दो दिन हो गए हैं क्योंकि पूरा दूध मैं उठा के अंदर ले जा रही थी तो कपड़ा फंस गया था एकदम से, वो छलक गया तो मेरी उंगलियां ये सारी जल गई थी। तुरंत ही मम्मी ने कहा ये छाले आले इसलिए नहीं पड़े क्योंकि मम्मी ने तुरंत शराब रखी थी घर में, थोड़ी सी रखते हैं इमरजेंसी के लिए, इसीलिए तो तुरंत मम्मी ने मेरे हाथ में शराब लगा दी थी और टूथपेस्ट लगा दिया था, तो इस वजह से कम मैं इतनी देर रोई हूँ पूछ नहीं सकते आप लोग, मैं काफ़ी टाइम तक रोती थी, उसके बाद मैंने मेरा हाथ की जलन अब ठीक हो गई है। आज कल भी उसमें काफ़ी टाइम जलन लगी, मैंने काम भी नहीं किया, चोटी भी नहीं की, तो आज फिलहाल ठीक है, हल्की बहुत है मतलब मामूली सी, तो अब ठीक है। तो यार पता नहीं, आज सुबह भी मैं जल गई थी, इसने मेरे ऊपर चाय गिरा दी, पता नहीं दो दिन से 7:30 ही चल रही मेरे ऊपर मुझे लगता है, इसलिए मेरे ऊपर गिर ही रहा है कुछ जलने वाला, तो देखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।